Hello everyone, this is Divya, your English teacher. Today we are going to do your lesson number 3, which is I promise. I promise. Don't worry, I will paste a picture in front of my video. Okay, so this lesson is totally about a girl. Her name is Lisa and her one fairy tale and lots of flowers. So let's start reading. So, move to the page number 26. Lisa loves flowers. Do you love flowers? Of course, everybody loves flowers. Lisa loves flowers. She loves red flowers. She loves yellow flowers. She loves blue and pink flowers. She also loves orange and purple flowers. Now, one question for you. Tell me which flowers are liked by Lisa. Tell me, you have a 10 seconds. Red, yes, yellow, blue, orange, pink, blue. Don't worry, revise that. Next line, Lisa walks to park near her house. लीजा अपने घर के पास एक पार्क में जाती है. द साइन बोर्ड इन द पार्क. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन बोर्ड? साइन बोर्ड इज दैट प्लेस वेयर यू कैन सी इंस्ट्रक्शन. ओके, लाइक गो देयर, गो अप. ओके, नाउ द साइन बोर्ड इन द पार्क सेज डू नॉट प्लक फ्लावर्स. PLUCK, प्लक. Which meaning, flowers को मत तोड़िए. However, Lisa loves to pluck flowers. लेकिन Lisa को flowers को तोड़ना बहुत अच्छा लगता था. And put them in a vase in her house. वो उन flowers को तोड़ती थी, pluck करती थी और अपने घर में आकर उसे एक vase में लगा देती थी. So, she loves seeing them on her table. उसे उन फ्लावर्स को अपनी टेबल्स पर देखना बहुत अच्छा लगता था. शी प्लक्स फ्लावर्स व्हेन एवर शी सीज देम. वो फ्लावर्स को प्लक कर लेती थी जब भी वो फ्लावर्स को देखती थी. सो मूव टू द नेक्स्ट पेज. माय वन पेज इज कंप्लीटेड. सो मूव टू द पेज नंबर 27. कीप योर फिंगर ऑन द लाइन. गॉट इट? One day, Lisa goes to the garden with a basket. एक दिन Lisa garden में जाती है basket के साथ. She is going to pluck more flowers. वो flowers को तोड़ना चाहती है. More flowers, और भी flowers को तोड़ना चाहती है. मतलब I know कि आप बोल रहे होगी कि मैम उसने board नहीं देखा. Yes, she saw the board, but she doesn't care about that board because she loves to pluck flowers. क्योंकि उसे flowers को तोड़ना बहुत अच्छा लगता था. Okay, she is going to pluck more flowers. Suddenly, अचानक she stops. वो रुक जाती है. Shh, look at the flowers in the garden. Flowers को देखो garden में. A fairy is touching all the flower. Fairy, परी. फेयरी इज टचिंग ऑल द फ्लावर. एक परी सभी फ्लावर्स को टच कर रही थी. ऑल द फ्लावर्स हैड टर्न ब्राउन. टर्न बदल जाना. कलरफुल फ्लावर्स टर्न इन टू ब्राउन. ब्राउन इज वेरी बोरिंग कलर. डू यू लाइक ब्राउन कलर फ्लावर्स? ओके, लेट्स रीड. द ट्रीज एंड लीव्स आर ब्राउन एज वेल. ट्रीज एंड लीव्स. ट्रीज और उनके लीव्स यानी कि उनके पत्ते, वो भी साथ ही साथ ब्राउन हो गए. ओ डियर, द गार्डन इज ब्राउन. गार्डन तो ब्राउन है. द ट्रीज फ्लावर्स एंड लीव्स आर ऑल ब्राउन. ट्रीज फ्लावर्स और उनके लीव सभी के सभी ब्राउन हो गए हैं. लीजा इज वेरी सैड एंड लिटल अफ्रेड. लीजा सैड भी हो गई और डर भी गई. अचानक से
जब कलरफुल फ्लावर्स ब्राउन फ्लावर्स में चेंज हो गए तो वो डरेगी तो ना. शी डजंट नो व्हाट हैज हैपेंड. उसे नहीं पता चला कि क्या हुआ. शी स्टार्ट्स क्राइंग. उसने रोना स्टार्ट कर दिया. सडनली शी हियर्स अ वॉइस. अचानक उसे एक आवाज़ सुनती है. वॉइस अ वॉइस. वॉइस क्या कह रही है. व्हाई आर यू क्राइंग लिटिल गर्ल. तुम क्यों रो रही हो. लीजा सीज अ सैड लुकिंग फियरी. लीजा उस सैड फियरी को देखती है. ठीक है, फेरीज तो हमेशा हैप्पी हैप्पी होती हैं ना, लेकिन वो फेरी कैसी थी, कैसे दिख रही थी. सैड. द फियरी इज नॉट स्माइलिंग. वो फेरी स्माइल भी नहीं कर रही थी. लीजा लीजा फेरी को कहती है, आई डोंट लाइक दिस ब्राउन गार्डन. मुझे ये ब्राउन गार्डन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक. मुझे वापस अपने कलरफुल फ्लावर्स चाहिए. फेरी द फ्लावर्स हैव बिकम ब्राउन सो दैट यू डोंट प्लक दैम. फेरी बोलती है कि फ्लावर्स ब्राउन इसलिए हो गए हैं क्योंकि ताकि तुम उन्हें ना तोड़ सको. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसको क्यों तोड़ोगे. तो सेम गार्डन ने आपके साथ ऐसा किया है. सो टर्न टू द नेक्स्ट पेज. ओके लीजा, आई प्लक दैम बिकॉज आई लाइक दैम. मैं इन्हें तोड़ती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं. फेयरी नाउ दिस इज द टर्न ऑफ फेयरी. नाउ फेयरी सेज दे लिव लॉन्गर इफ यू डोंट प्लक दैम. ये इनकी एज लॉन्गर हो जाएगी. ये यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे इफ यू डोंट प्लक दैम, अगर आप इन्हें नहीं तोड़ोगे. नाउ दिस इज द टर्न ऑफ लीजा. आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक. मुझे अपने कलरफुल फ्लावर्स वापस चाहिए. डियर फेयरी प्लीज. नाउ शी रिक्वेस्टेड टू फेयरी कि आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक. नाउ इट्स टर्न फॉर फेयरी. विल यू प्रॉमिस नेवर टू फ्लावर्स प्लक अगेन. फेयरी ने प्रॉमिस क्या प्रॉमिस लिया कि तुम फ्लावर्स को दोबारा नहीं तोड़ोगी. लीजा आई प्रॉमिस. मैं वादा करती हूँ. लीजा प्रॉमिस टू फेरी बट प्रॉमिस शी डज नॉट प्लक फ्लावर. ओके सो नाउ इट्स टर्न फॉर मदर. लीजा गेट अप, इट्स मॉर्निंग, लेट्स गो टू द पार्क. अगली सुबह ममा लीजा को उठाती है कि लीजा wake up और कहाँ जाओ, पार्क में चलते हैं. देर आर सो मैनी प्रिटी फ्लावर्स. अब लीजा क्या देखती है, दोबारा से उसके कलरफुल फ्लावर्स पैक वापस आ गए हैं. लीजा स्टिल लव्स फ्लावर्स. लीजा को अब भी फ्लावर्स बहुत पसंद हैं बट नाउ शी डज नॉट प्लक्स दैम. अब वो उन्हें नहीं तोड़ती है. शी लुक्स एट दैम एंड फील्स हैप्पी. वो उन्हें देखती है और क्या रहती है, खुश रहती है. शी रिमेंबर्स हर प्रॉमिस. उसे अपना प्रॉमिस रिमेंबर है. किसको किया था उसने प्रॉमिस, फेयरी टेल को. लीजा वॉन्ट्स द फ्लावर्स टू लिव एंड ग्रो. नाउ लीजा फ्लावर्स को नहीं तोड़ेगी और उन्हें और भी ग्रो होने देगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन. So tell me, what have you learned from this lesson? Think, you have 3 seconds. Yes, we should not pluck flowers. We should love flowers. Okay? So bye-bye. Now you have to send me the audios or videos of this lesson. Okay? Bye-bye. Love you all.